बरगी पुलिस ने अवैध शराब के मामले में एक आरोपी को 30 पेटी अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अनिल उर्फ सोनम यादव है, जो वर्तमान समय में गोरा बाजार थाना अंतर्गत राजुल टाउनशिप में रहा करता है। यह आरोपी एक आपराधिक प्रवृत्ति का आरोपी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब से संबंधित कई मामले सामने आए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बरगी CSP सुनील नेमा ने बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है, जहाँ उन्हें सूचना मिली कि एक आरोपी अपनी डस्टर कार में अवैध शराब रखा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल टीम गठित की गई, जिसके बाद आरोपी को सुकरी शराब दुकान के पास गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह यह शराब कहां से लेकर आया था और कहां लेकर जा रहा था। गत रात्रि एक सूचना के आधार पर थाना बरगी में 30 पेटी देशी शराब ले जाते हुए एक डस्टर गाड़ी में ये पकड़ा गया है अनिल उर्फ सोनम यादव, जो वर्तमान में बिलहरी राजुल टाउनशिप का रहने वाला है। पहले ये ओमती थाना क्षेत्र अंतर्गत रहता था, जो बाद में ये बिलहरी जाकर रहने लगा है। ओमती का ये निगरानी बदमाश था, जिसकी हिस्ट्री शीट वर्तमान में गोरा बाजार स्थानांतरित की गई है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त है। सूचना के आधार पर बरगी पुलिस ने इसे 30 पेटी देशी शराब जब्त कर इसे गिरफ्तार किया है और इस अपराध पंजीबद्ध करके इसके जो भी संबंध हैं और जो लिंक है इनको भी खंगाला जा रहा है और सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहां से शराब लेके आ रहा है? ये बरगी से ही इसने शराब ली है और जहां से शराब ली है उस स्रोत का पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।